दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय द रोज ऑर्किड वर्ल्ड स्कूल पाउंटा साहिब। शिलाई के कफोटा पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। इस दौरान जयराम ठाकुर ने एसडीएम कार्यालय का उद्घाटन व डिग्री कॉलेज कफोटा का लोकार्पण किया। उनके साथ ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, बलदेव तोमर, सांसद सुरेश कश्यप, राजीव बिंदल, रीना कश्यप मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने और भी बहुत घोषणाएं की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने यहां बहुत कुछ दिया, अब उनके लेने की बारी है, इसलिए इस बार 2022 में शिलाई से एक विधायक उनको दें। विकास की दृष्टि से अभी भी बहुत सारी जरूरतों की उम्मीद के साथ है, उनको पूरा करने के लिए हमको काम करना है। राज्य मैंने जो बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया, जिसमें डिग्री कॉलेज भी है, एसडीएम का ऑफिस भी यहाँ पर दिया है, इससे पहले बीडीओ का ऑफिस भी दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का सब डिवीजन भी यहाँ पर दिया है, डिवीजन भी दिया है सिलाई में, और आईपीएस का भी दिया है। यानी कि जो भी ज़रूरतें इस विधानसभा क्षेत्र की थी, तमाम उन जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से हमने काम किया और सबसे ज़्यादा काम किया। आज भी कुछ चीज़ों को लेकर के दो पीएससी की बात कही गई, दो हेल्थ सब सेंटर की बात कही, कुछ स्कूलों का अपग्रेडेशन की बात कही, एक सब तहसील की बात हुई है और एक जो है वो डिग्री कॉलेज नया खोलने की बात हुई है। तमाम सारी चीजों को पूरा करेंगे। सीएम साहब, आपसे कुछ देर पहले जो स्थानीय विधायक है उन्होंने फेसबुक पर जानकारी दी है, कहा है कि जो कफोटा कॉलेज है वो कांग्रेस की देन है और वीरभद्र सिंह के नाम पर नामकरण होना चाहिए। चलो, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की है, अब स्वाभाविक रूप से उनको इस बात को अनुभव करना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार है और ऐसा नहीं है कोई कॉलेज जो है वो 1 लाख रुपए दे करके, 4 लाख रुपए दे करके जो है वो ज़मीन पर खड़ा नहीं होता। अगर ये भवन अगर यहाँ खड़ा हुआ तो 11 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने इसमें दिया है, वो उनको जानकारी रहनी चाहिए इस बात में। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, नामकरण के लिए उनका सुझाव देर से आया, पहले आया तो विचार करते हैं। हम कतई भी नहीं देखते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिलाई से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। आपको पता है हेलमेट का क्या मतलब होता है? H से हेड, E से ईयर्स, L से लिप्स, M से माउथ, E से आईज, T से टीथ। इन सभी अंगों को सड़क पर टू व्हीलर चलाते समय किसी भी दुर्घटना से सुरक्षित रखता है। टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने। रैश ड्राइविंग, रॉन्ग ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग से बचें। सड़क के नियमों का पालन न करना कानूनन अपराध है। इसके लिए आपको सजा के साथ दंडनीय जुर्माना भी हो सकता है। रूट सेफ्टी सेल, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।